गाइस, अगर सेहत भरे नाश्ते की बात की जाए तो इससे बढ़िया कोई नाश्ता नहीं हो सकता है, गारंटी है। इतना बढ़िया और टेस्टी, और इसमें सारा कुछ है ऐसा जो कि हमारे सेहत को एकदम तंदुरुस्त रखता है। और ये हरा भरा कबाब हम लोग आज अपने नाश्ते में एकदम शामिल कर लेंगे, ऐसा हमने अपने आप से प्रॉमिस किया। बहुत ही टेस्टी है, तो चलो आज हम लोग बनाते हैं हरा भरा कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी और कम तेल, और जितनी इसमें पौष्टिक है ना सामान, उतना शायद ही किसी नाश्ते में होगी। तो चलते हैं बनाने हरा भरा कबाब। आप इसके साथ चटनियाँ भी ले सकते हो, हरी चटनी, नारियल की चटनी एंजॉय कर सकते हो। तो चलते हैं बनाने। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे पालक, उसके पत्ते निकाल लेते हैं और उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और ये पालक लिया है, और एक कटोरी मटर। ये है नारियल, इसके काले वाले पार्ट्स को हटा के छिलके को, और ये सफ़ेद पार्ट्स लिया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये है ब्रेड, आप इसके बदले ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। एक साथ सभी को हमने ग्राइंड कर लिया है, हल्के से पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं। अब इसमें हम कुछ आलू डाल देते हैं, मैसा हुआ। ये मिक्सचर है आलू का, बॉयल आलू का। अब इसमें नमक, कुछ मसाले जैसे हरी मिर्च कटी हुई, धनिया, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, ये सारे चीज़ें हम मिला देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सारे मसाले हमने एक साथ मिला दिया है। इस तरह से अच्छी तरह से हमने मिला दिया है इस सारों को। मसाले भी हैं, चाट मसाला है, चटपटा भी होगा, और हरी सब्जियां हैं इतनी अच्छी कि बहुत ही टेस्टी। जैसे मटर टेस्ट ला देता है, पालक है जो स्वाद के लिए साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदा करेगा, और फाइबर है, इतनी फाइबर है तो इसे हम नकार नहीं सकते हैं। इसे अब हम टिक्की का ये शेप दे देंगे, टिक्की की तरह या कबाब की तरह। और ये है सफेद तिल, इसमें हम इसको लपेट देते हैं, आप ऊपर से या अच्छी तरह से जितना चाहो अपने मन के अनुसार इसे आप लेयर बना दो, बहुत ही फायदा करता है। यानी कि जितनी चीजें हमने लिए हैं वो सारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस तरह से हम सारे कबाब का सेप कर देंगे, और ऊपर से और पूरे दोनों साइड से हम लेयर दे देते हैं सफ़ेद वाले तिल के साथ। इससे क्या होता है कि वो क्रंची भी हो जाता है। इस तरह से हम लेयर दे देते हैं, और टेस्ट में भी आ जाता है, और सेहत के लिए भी हमारा बहुत ही बढ़िया है। अब हम तवा गरम करते हैं सेकने की टाइम, क्योंकि इसे हम फ्राई नहीं करेंगे ज़्यादा तेल में हम इसे, क्योंकि ये सेहत वाला चीज़ है तो इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप चाह सकते हैं तो इसे फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन इसे हम तवे पे सेकेंगे। हल्की तेल में इसे दोनों साइड से हम ब्राउन होने तक सेक लेते हैं।
इस तरह से दोनों साइड से इसको ब्राउन होने तक सेक लिया है। ये देखो आप, बहुत ही बढ़िया कलर आया है और क्रंची भी है ये। गर्मा गर्म खाने से, मतलब कि आप टोमेटो सॉस या हरी चटनी या नारियल की चटनी, कोई भी चटनी बना लो इसके साथ और गर्मा गर्म सर्व करो, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, हमारा ये कबाब तैयार है हरा भरा। तो चलो एंजॉय करते हैं मिल करके, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा।